अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे ये वाला परमानेंटली लगा रहता है, वो वाला परमानेंटली लगा रहता है, ये भी परमानेंटली लगा रहता है। आज अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और गाइस, जैसे कि आपको आप सब लोग को पता है कि मुहर्रम स्टार्ट हो चुके हैं और आज फर्स्ट मुहर्रम है, तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे हमारे इमाम बारगाह में आज़ादारी होती है और कैसे सब मैनेजमेंट वगैरह होता है। वैसे ये व्लॉग बनाने का बस यही मकसद है कि मैं आप सब लोग से डेली व्लॉग शेयर करती हूँ, मेरे लाइफ में जो होता है मैं आपसे सब शेयर करती हूँ। तो ये भी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि मैं आपसे आज शेयर करूँगी, कैसे हम सब मुहर्रम को स्पेंड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो और मैं आप सब लोग को आज का पूरा व्लॉग दूँगी। आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ड्रेस प्रेस करी है। वैसे जो मजलिस है वो रात को स्टार्ट होती है और आज से लेके 10 मुहर्रम तक मजलिस रहेंगी, पूरा शायद 10 दिन मजलिस होएगी 8 से 9 बजे तक रात को। तो अभी जो है मैं आप सब लोग को दिखाती हूँ कि इमाम बारगाह में ले चलती हूँ। वैसे अगर आपको इमाम बारगाह का डिटेल टूर चाहिए तो वो मैंने आप सब लोग को लास्ट ईयर दिखाया था, तो आइए अभी मैं आपको वैसे दिखा। ये देखें, ये इमाम बारगाह है और यहाँ पे मेन मजलिस होगी और यहाँ पे सब औरतें वगैरह। ये देखें गाइस, ये है अलम। यहाँ ये जो अलम है ये 50 फुट का है, 50 से ज़्यादा फुट का, बहुत बड़ा है। ये मेनली यहाँ पे मजलिस होगी, आप सब लोग देख सकते हैं। वहाँ पे आप सब लोग मासी झाड़ू देती हुई, ठीक है। ये देखें गाइस, ये सारी कारपेट वगैरह बिछा दी हैं। यहाँ पे अगर लोग पूरे नहीं आएंगे तो वहाँ बाहर भी सारा इंतज़ाम है और जो उस साइड वाला इमाम बारगाह उधर सारी खवातीन वगैरह होंगी। और ये मेरा दादा अबू और मेरे बड़े दादा अबू की कब्र है। ये देखें गाइस, ये स्टेज है, यहाँ पे रात को सारा माइक वगैरह वाला सिस्टम होगा। और अभी वैसे ये बस ये जो बैनर्स वगैरह हैं ये अभी सारे लगे हैं, मुहर्रम में लगते हैं ये सारे, वैसे ही उतार देते हैं और मुहर्रम में लगा देते हैं। ये वाला परमानेंटली लगा रहता है, वो वाला परमानेंटली लगा रहता है, ये भी परमानेंटली लगा रहता है और कुछ कुछ जो है वो मुहर्रम में ही। गाइस, अब जो है मैं, जैसे कि आप सब लोग को पता है, मैं वीक में 2 डेज व्लॉग डालती हूँ, मंडे और थर्सडे, लेकिन आज मैं बस अब मैं बस जो है शायद अब अशरे के बाद ही कोई व्लॉग डालूँ, क्योंकि लाइक थोड़ा सा मुहर्रम में इबादत पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा व्लॉग्स पे और खुशी पे और हंसने पे नहीं, बस गम मौला का जो होता है वो बांटना होता है। प्रिपरेशंस हो रही हैं, तब दिखाती हूँ। आत्मा और गानिया साबान दोनों। गाइज, यहाँ पे जो है सारी तैयारियाँ वगैरह हो रही हैं, जो कारपेट वगैरह होते हैं वो यहाँ पे मेरी दादो जो है सारी बिछा रही हैं। और यहाँ जो कूलर वगैरह है इनमें पानी सारा फिल हो चुका है, कुछ उस इमाम बारगाह में कूलर होगा और कुछ इधर पानी के लिए, ठंडा पानी के लिए। और रात हो चुकी है और मस्जिद स्टार्ट होने वाली है। मैंने कपड़े ब्लैक पहन लिए फुल और जवाज़ा भी रेडी हो चुका है। मैं आपको जवाज़ा गुड्डू मेरा प्यारा बड़ा कक्का है, ये देखो गाइस। तो गाइस, अब हमारे इमाम बारगाह में मजलिस हो गई थी और हमारे इमाम बारगाह से थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है एक बहुत ही मशहूर जो है नोहा खान आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर शो कर दी जिनका नाम कुर्बान ट्रॉफी है, तो हम उनको अब सुनने जा रहे थे। तो गाइस चलो, अब हम जा रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस है, हम वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम जा रहे हैं
और वहाँ पे हमें हमने अपने हमारे वहाँ पर हमारी मजलिस हो गई है और अब हम वहाँ पे जा रहे हैं सुनने मजलिस। तो मैं आपको वहाँ जाके सारा दिखाऊंगी, रिकॉर्डिंग करूंगी, मैं कर सकूँ पॉसिबल हुई तो मैं रिकॉर्डिंग ज़रूर करूंगी। कुर्बान जाफरी साहब, इंटरनेशनल फिल्म की हामिल शख्सियत, मुस्तफा खान, तस्वीर खान। तो गाइज़ हम वहाँ पे पहुँच चुके थे और आप सब लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्राउड था और हमें बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे जगह मिली थी, लेकिन किसी ना किसी तरह हमने एडजस्ट करके बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया और थोड़ा आगे जाके हमने जगह ले ली क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था तो इसलिए। और अभी वो पहुँचे नहीं थे क्योंकि उनको थोड़ी लेट हो गई थी और थोड़ा सा वो लाइक लेट आए थे, लेकिन हम टाइम पर पहुँच गए थे। बहुत से लोग बहुत ही पहले आए हुए थे यार, लेकिन हमने अपनी मजलिस सुन के, अपने माम बरगे की मजलिस सुन के, मातम करके तो तब हम इधर आए थे। और बाय द वे बहुत ही अच्छा उन्होंने नूरे पढ़े थे, मेरे फेवरेट वाले, अभी आपको मैंने सुनाया है वो आप ज़रूर सुनिएगा। आलमी शोहरत याफ्ता मनकबत खान, सोज खान, लोहा खान, मरसिया खान, मुसव्वर खान, जनाब ज़वार कुर्बान हैदर जाफरी साहब, आफरीदी खान आपकी सफ़ों में विराजमान हैं, बहुत जल्द मेंबर पे जलवा फिगर हैं। आपसे गुजारिश है कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप तमाम मुहिबान आले मोहम्मद, तमाम मातमदारान, पुरसदारान और मोहब्बत कुलिंदगान साढ़े बारह पहुँचे थे और फिर हम सो गए थे और मुझे ब्लॉग करना एंड करना भूल गया था। तो अब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो लाइक मुझे ब्लॉग अब मैं बना रही हूँ। और जब वो आए थे तो मैंने बहुत सा ब्लॉग बनाया था लेकिन मेरी मेमोरी ख़त्म हो गई तो और एसडी कार्ड में मैंने किया तो डिलीट पता नहीं कैसे होगा। तो अभी जो है मुझे कुछ मैंने ऐड किया कुछ कुछ क्लिप्स। सो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और वीडियोस बनाऊँ मुहर्रम में, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बनाना क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो व्लॉग में आना नहीं पसंद करते हैं, तो उनको ना ले आना वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं लाइक बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई आज भी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।